को देख रहे किस तरीके से जा रहा है। तो गाइस राधे राधे। तो मैं सो करके उठ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 11:04 और अभी तक मेरे अलावा कोई भी नहीं सो के उठा। मम्मी और पापा तो चले गए ड्यूटी, इन दोनों लोग में से दीदी भैया में से कोई नहीं उठा और मैं अभी जस्ट खाना वाना खाया हूँ। बाकी आज सोच रहा हूँ जाके बाल कटा लूँ, पूरा छोटे छोटे करवा लेता हूँ, सही रहेगा। अभी पापा कह रहे थे कि गाड़ी साफ़ किए थे कल, हम कहें हाँ किए थे, कह रहे छत गंदी है, हम कहें भैया की वीडियो एडिट करनी थी, जल्दी जल्दी आना पड़ा तो आधा साफ किया था नहीं, ये साफ ही मतलब अगल बगल साफ कर दिए तो ऊपर थोड़ी रह गई है। बढ़िया धूप निकली है यार, आज का दिन यार बोरिंग बहुत ज़्यादा लग रहा, बहुत ज़्यादा मन कह रहा पूरे दिन सोता रहूं, क्योंकि अब गर्मी आ गई है उसकी वजह से कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है और बस सोने का मन हो रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया था लेकिन उसके बाद भी अभी मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है कि कुछ खा लूँ, लेकिन अब खाता पीता रहूँगा भाई, बहुत ज़्यादा पतला हो गया हूँ। अभी अमन और उस दिन अमन और शिवम के साथ मैं गया था बाज़ार तो सब बोल रहे थे कि तुम यार बहुत पतले हो गए हो, जितना थे उसके आधे हो गए हो। बात तो सही है। हम कह क्या करें भाई, काम इतना है, हर अब सब चीज़ पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकते हैं ना, अब वहाँ जॉब पे ध्यान है तो फिर खान पीन पे बहुत ज़्यादा, पिछले एक महीने जो फरवरी वाला महीना था बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, काम तो करता ही था मैं और खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, कभी कभी दिन में एक ही बार खाता था, लंच नहीं खाता था, लंच वापस लेके चला जाता था, यही सब हाल रहते थे। लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बीच में देखो 2-3 दिन में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से और डाउन हो गई है, शरीर रहेगी तभी काम होगा, तो खाना बहुत ज़रूरी है। ऋतिक को मैं ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया ऋतिक। उस दिन मैं ले गया था जो मुझे पसंद है नमकीन, ये वाली, ये आज कितना दिन हुआ, 2 या 2 दिन है आज शायद जिस दिन मैं शॉपिंग करके आया हूँ, आधी पैकेट से भी कम हो गई है, इसीलिए मैं लाना नहीं चाहता हूँ, ऋतिक सब खा जाता है। और लेके अब स्प्राइट तो मिली नहीं थी हम लोग को, तो ड्यू लाए थे, उसके बाद थोड़ी देर में सो जाऊँगा, ऋतिक आएगा अपना एडिट वेडिट करेगा फिर बाकी रात में मैं निकल लूँगा। अंदर एडिटिंग कर रहा था और पता चला कि यहाँ बंदर आए हैं, रोज का है वैसे, कोई नई बात नहीं है, और इसको देखो ये गुस्सा है क्योंकि बंदर यहाँ आते हैं, हम उनको खाने देते हैं और यहाँ गंदगी मचा के, ये देखो भाई पूरा काम करके अभी भी यहीं सब पेड़ पे गए हैं इसी साइड, पीटर को पूरा तैनात है। ओए देख नहीं रहा, इग्नोर मार भाई, एक बंदर ये है देख रहे इसको, और इसका बच्चा वहाँ पे है पेड़ में है, चिल्ला रहा है, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा, चिल्ला रहा है क्योंकि वो इस पार नहीं आ पा रहा है। बंदर से कम नहीं है ये, देखो जा रहा अपने बच्चे के लेने, हमको लग रहा है उसका बच्चा वो रहा, ये देखो ये इसका बच्चा है यहाँ पे, ये छोटा सा, ये आ गया उसकी मम्मी हो रही, देखो लेके आई, हमको लग रहा शायद बच्चे को लेने गई, वो तब से इधर आ ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा, वो बैठ गया है ले होके, नहीं आ रहा है कि ले होके आए बंदर, हाँ जो भी हो, वैसे रोज का है ये बंदर वंदर बच्चा प्यारे पूरी लाते रहते हैं और हमारे यहाँ गंदगी मचाते रहते हैं, ले करके आता है यार तो अच्छा लगता है, देखते हैं हम भी कि मम्मी मदद कर रही हैं भाई, मतलब इसको देख रहे हो किस तरीके से जा रहा है। यह भाई क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, कहाँ जाना चाह रहा है,
पहुंच गया। और यहाँ ये सब बैठे हैं, ये देखो खा रहे हैं एकदम बढ़िया, काफी तगड़ा भाई, एकदम माहौल मचा देते हैं इसको। देखो ये है, ये बढ़िया एकदम सिस्टम बैठा है, सही है भैया, पूरा तबाही मचा दिए हैं बंदर बंदर करके। आओ जल्दी आओ यार, काम हम करा जाए। गाइस बाय बाय, कृतिक पूजा कर रहा था, कृतिक पूजा कर खान बढ़िया पूजा वूजा कर लो बेटा। ठीक अभी चले, टाइम हो गया है हा? क्या जा रहा हूँ, बड़ी गुस्सा आ रही क्योंकि ये चाबी कहाँ है स्कूटी की, स्कूटी की चाबी कहाँ है रितिक, देखो वहां से उठाओ यार चाबी, तुम वहां बताओ, तुम लेके आओ, ये लगाई है घर में पहुंचा और मैं अभी सूट पहन लिया हूँ तब से ये चिल्ला रही है। और ठीक चलो भाई, अरे वाह यार प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी।